हौसला मत हार गिरकर ये मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि मैं बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ लेकिन मुझे इंडियन आर्मी में वर्दी नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों हौसला मत हारो। यहाँ पे जब तक आप हौसला रखोगे तब तक यहाँ पे आपका जो उम्मीद है बना रहेगा और आप एक ना एक दिन ऐसा वक्त आएगा आप इंडियन आर्मी की वर्दी ले लोगे। सो हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ और एक नए कमाल के और एक यूज़फुल वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे कई सारे दोस्तों का हमारे इंस्टाग्राम और हमारे वीडियो पे कमेंट्स आते हैं कि सर हमें टीए आर्मी के बारे में बता, यानी कि टीए आर्मी में हमें कैसे एंट्री लेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में रहेगा उसके एजुकेशन के बारे में, यानी कि अगर आपको टीए आर्मी में जाना है तो उसका एजुकेशन क्या जरूरत पड़ता है, उसका एज लिमिट क्या रहता है, उसके फिजिकल क्या क्या होता है, और लास्ट में भी बात करेंगे क्या टीए आर्मी इंडियन आर्मी का वर्दी उसे सेम मिलता है और उसके काम के बारे में भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लस नॉलेजेबल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के जरिए आपको पूरा टीए आर्मी यानी कि टेरिटोरियल आर्मी के बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के वीडियो देखने को मिलते हैं। सो फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग योर एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स हम लोग पहले बात करेंगे एक्चुअल में टीए आर्मी होता क्या है। दोस्तों पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लेंगे। दोस्तों टीए आर्मी यानी कि टेरिटोरियल आर्मी। फ्रेंड्स आप बोलोगे ये टेरिटोरियल आर्मी होता है क्या, या कि इंडियन आर्मी का एक है या इंडियन आर्मी से अलग है। दोस्तों ये मैं बताना चाहता हूँ, इंडियन आर्मी का ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी कि एक पार्ट है इंडियन आर्मी का। दोस्तों आप बात करोगे कि इंडियन आर्मी का पार्ट है तो किस तरह से काम करती है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जो टीए आर्मी होती है वो इमरजेंसी में काम आती है, यानी कि कोई वार जोन का ज़्यादा यानी कि वार फाइट होता है या इंडियन आर्मी जब भी बिजी रहती है कोई वार टाइम है तो यहाँ पे बैकअप देने का काम करती है टीए आर्मी। तो ये आप ध्यान में यानी कि इजीली समझ लीजिए कि बैकअप टीम की तरह ये जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस टीए आर्मी काम करती है एडमिनिस्ट्रेटिव की तरह। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरह से टीए आर्मी काम करती होगी। उसके ऊपर हम लोग वीडियो लाएंगे कि एक्चुअल में टीए आर्मी का काम क्या होता है उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो लाएंगे। इसके लिए आप बने रहिए हमारे इस चैनल पे, आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि अगर आप लोग का सपना है कि मुझे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में जाना है और मुझे टीए आर्मी में एंट्री लेना है, टेरिटोरियल आर्मी में जाना है, तो किस तरह से मैं एंट्री लूँगा। पहले हम लोग जानेंगे एजुकेशन के ऊपर। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि टीए आर्मी में कौन सा ट्रेड देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ टीए आर्मी भी सेम आज सेम इंडियन आर्मी की तरह ही ट्रेड देखने को मिलता है, जैसे कि जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल क्लर्क और एसकेटी की तरह यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। नर्सिंग असिस्टेंट भी वहाँ पे देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं अगर आपको टेरिटोरियल आर्मी यानी कि टीए आर्मी में जीडी में जाना है तो आपको क्या होना जरूरी है एजुकेशनल। दोस्तों सेम आज सेम आपका 10th में 45% होना जरूरी है ओवरऑल और हर एक सब्जेक्ट में 33 मार्क है तो आप टीए का जीडी भर्ती देख सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं कि ट्रेड्समैन का अगर मुझे जाना है टीए आर्मी ट्रेड्समैन के भर्ती मुझे देखना, तो पहले दोस्तों आप 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th के हिसाब से टीए आर्मी का भर्ती देखना चाहते हो टीए आर्मी ट्रेड्समैन का, दोस्तों पहले आपको 45% और 33 मार्क होना जरूरी है। अगर आप 8th बेस पे देखना चाहते हो टीए आर्मी ट्रेड्समैन का, दोस्तों आप 8th पास सिंपल होना चाहिए, उसमें कोई भी परसेंटेज बार नहीं रखा गया है, राइट। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगर टेक्निकल में आपको लेना है टीए आर्मी टेक्निकल में भर्ती देखना है दोस्तों, तो वहां 45% 50% अगर आपका ओवरऑल है और हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क है और उससे अबव है तो आप इजीली टीए आर्मी टेक्निकल भर्ती देख सकते हो। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नर्सिंग असिस्टेंट का, तो दोस्तों नर्सिंग असिस्टेंट का अगर आप टीए आर्मी भर्ती देखना चाहते हो तो वहां पे आपको टोटल ओवरऑल परसेंट 50% होना चाहिए, उसी के साथ साथ आपका हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क होना चाहिए। हाँ मेन सब्जेक्ट में आपका बायोलॉजी होना जरूरी होता है, यानी कि पीसीबी आपका है तो आप नर्सिंग असिस्टेंट में इजीली एंट्री ले सकते हो टीए आर्मी में, राइट। सो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं टीए आर्मी का क्लर्क और एसकेटी के ट्रेड में अगर आप लोगों का सपना है एंट्री लेना तो आपको क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया जरूरत पड़ता है। दोस्तों यहां पे आपको अगर क्लर्क और एसकेटी टीए आर्मी में जाना है तो यहां पे आपका टोटल ओवरऑल परसेंट 60% होना चाहिए, उसी के साथ साथ आपका जो हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क होना जरूरी है, तभी जाके आप टीए आर्मी का क्लर्क और एसकेटी का भर्ती देख सकते हो।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बात कर लिया एजुकेशन के बारे में। दोस्तों जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जो मोस्ट इमर्जिंग मुझे अच्छा लगा ये पॉइंट दोस्तों, वो है आपका एज क्राइटेरिया। दोस्तों यहाँ पे टी आर्मी की भर्ती अगर आप देखना चाहते हो तो टी आर्मी आपको अच्छा खासा मौका देती है। आपको जो एज क्राइटेरिया रहता है दोस्तों, वो है 18 साल से लेके 42 ईयर्स। अगर आप कोई भी भाई का एज चला गया है, वो इंडियन आर्मी नहीं देख पा रहा, तो दोस्तों आप टी आर्मी इजीली देख सकते हो। आपका एज भी चला गया तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही बड़ा एज गैप देखने को मिलता है। 18 साल से के 42 साल के अंदर अंदर आप टी आर्मी भर्ती देख सकते हो, तो ये मौका आप मत गवाइए। जिन भाइयों का सपना है देश की सेवा करना, इंडियन आर्मी में भर्ती लेना, दोस्तों ये टी आर्मी का भर्ती आप जरूर देखिए। आप इंडियन आर्मी से अच्छा अगर आप नहीं कर पाए, यानी कि इंडियन आर्मी में आपने कई बार ट्राई किया, बहुत बार अटेम्प्ट किए रैली और उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए, और आप मायूस हो चुके हो कि मुझे इंडियन आर्मी को भर्ती नहीं मिला, तो दोस्तों टी आर्मी आपको एक अच्छा सा मौका देती है, एक आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देती है कि आप इंडियन आर्मी का एक पार्ट बन सको। तो आप अपना हौसला मत गवाइए, आप अपना सक्सेस जो आपको लेना है इंडियन आर्मी में भर्ती लेना, तो इसके जरिए आप ले सकते हो। दोस्तों अब बात कर लेते कि फिजिकल क्राइटेरिया आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा अगर मुझे टी आर्मी में भर्ती लेना है। दोस्तों यहाँ पे आपका मिनिमम 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और आपका चेस्ट का साइज 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आप जब भी एक्सपांड करो तो 82 सेंटीमीटर का होना जरूरी है। उसी के साथ साथ अगर आप बात करेंगे वेट का, तो दोस्तों यहाँ पे 50 kg का वेट होना जरूरी है। और बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे टी आर्मी की भर्ती रैली में क्या क्या फिजिकल देखना मिलता है, जैसे कि 1600 मीटर रनिंग आपको देखने को मिलेगा, जिगजैग बैलेंस देखने को मिलता है, और आपका 9 फीट डिच जो होता है वो देखने को मिलता है लॉन्ग जंप का, और उसी के साथ साथ आपका बीम्स पुलअप भी वहां पे देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, जो भी भाई इस स्टैंडर्ड में आता है, फिजिकल स्टैंडर्ड में, वो भाई इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑफिशियली वेबसाइट है टी आर्मी का, आप जाके गूगल में सर्च कर सकते हो और वहां पे चेक कर सकते हो क्या नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया है, आपके हिसाब से आप चेक करना और अप्लाई भी वहां जाके कर सकते हो। दोस्तों हमने बात कर लिया यहां पे एजुकेशन के बारे में और आपका एज के बारे में और उसके साथ साथ फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं टी आर्मी के काम के बारे में। दोस्तों यहां पे टी आर्मी का पूरा काम रहता है इंडियन आर्मी को बैकअप देना। जो फ्रंट लाइन में रह के लड़ाई करती है इंडियन आर्मी, जो भी स्क्वाड रहते हैं वो बैकअप देना, यानी कि बैकअप का मतलब है दोस्तों, जब भी इंडियन आर्मी वॉर के टाइम में बिजी रहती है, यानी कि वो उसे कुछ भी इमरजेंसी में कुछ जरूरत पड़ता है, चाहे वो एम्युनेशन हो, चाहे वो कोई भी वेपन्स हो, तो ये टी आर्मी उसे सपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे बैकअप देने का पूरा काम करती है। ये आप एक राउंड में समझ लीजिए कि पूरा बैकअप टीम की तरह ये जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस टी आर्मी काम करती है। दोस्तों अब बात आता है कि क्या टी आर्मी को इंडियन आर्मी की तरह भर्ती मिलता है। दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहता हूँ, टी आर्मी भी एक इंडियन आर्मी की पार्ट है, उसी की तरह इंडियन आर्मी जो भी भर्ती मिलता है उसे भी सेम आज सेम भर्ती मिलता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कन्फ्यूजन मत होइए कि टी आर्मी को दूसरा कोई भर्ती मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है, यानी कि ये जो टी आर्मी और इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इसका रेगुलेट होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जिन भाइयों का सपना था इंडियन आर्मी के एंट्री नहीं ले पाए, लेकिन टी आर्मी में एंट्री लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आपका एज चला गया है तो आप टी आर्मी के जरिए आर्म फोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हाँ, मन में कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कर देना, और आपको कौन से वीडियो चाहिए डिफेंस के ओर से तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हो, उसके ऊपर हम लोग वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, मैं फिर मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, जय हिंद, लव यू ऑल।